में ट्रेन नंबर 15024 यशवंतपुर गोरखपुर एक्सप्रेस में जहर खुरानी का आरोपी पकड़ा गया। त्रिवेंद्रम आरपीएफ व जीआरपी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर नागपुर स्टेशन पर रात 11:50 पर गाड़ी आने के बाद जांच की गई। जांच में एक यात्री संदिग्ध दिखाई दिया। उसे नागपुर थाने लाकर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम चुमन कुमार शाह पश्चिम चंपारण निवासी बताया। आरोपी के पास खाद्य पदार्थ में मिलाकर बेहोश करने वाला पाउडर मिला। उस पर कई ट्रेनों में जहर खुरानी कर यात्रियों को लूटने के मामले दर्ज हैं। नागपुर आरपीएफ ने उसे पकड़ त्रिवेंद्रम जीआरपी को सौंप दिया है। पूरी कार्रवाई मंडल सुरक्षा आयुक्त आशुतोष पांडे के मार्गदर्शन में की गई है। दिनांक 19/8/2022 को एर्नाकुलम और त्रिवेंद्रम जीआरपी आरपीएफ से सूचना मिली और व्हाट्सएप पे एक उसका आरोपी का डिटेल सेंड किया था। वहाँ पे एक केस रजिस्ट्रेशन था जिसकी एफआईआर कॉपी भेजा और बताया गया कि एक आरोपी जो यात्रियों के साथ जहर खुरानी में सम्मिलित है उसके खिलाफ केस रजिस्ट्रेशन किया गया है और उसको सीसीटीवी का फुटेज के साथ फोटो भेजा, जिसके आधार पर हमने जो गाड़ी थी 15024 उसको यहाँ पे नागपुर स्टेशन पे चेक किया गया। सूचना के अनुसार चेक करने पर नागपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आगे इंजन साइड के जनरल डिब्बे से उस यात्री को आरोपी को खोज कर निकाला गया। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार उसे लाकर पूछताछ किया गया आरपीएफ थाना नागपुर में। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम चुमन कुमार शाह रहने वाला पश्चिमी चंपारण बिहार और केरला में टाइल्स का काम करना बताया गया, जिससे पूछने पर उसने कई बार यात्रियों के साथ अन्य साथियों के साथ यात्रियों का जहर खुरानी करके और सामान लूटना अन्य कई तरह की घटनाओं में शामिल होना पाया गया, जिसकी सूचना हमने वापस संबंधित पुलिस को दी गई। वहां से पुलिस स्टाफ आकर उसको अग्रिम कार्रवाई हेतु अपने ताबे में लेकर चले गए। इसमें शायद जहाँ तक हमने पता चला है कि इसमें 3 आरोपी सम्मिलित होने की संभावना है और उसमें से कुछ अरेस्ट किया भी है जीआरपी एर्नाकुलम ने। और ये जो इसके पास जो नशीला पदार्थ है उसका तरीका ये रहता है कि ये जैसे खाने का बिस्किट रहते हैं या पीने के लिए फ्रूटी रहती है, उसमें बिस्कुट के पैकेट को ये कुछ चिन्हित बिस्कुटों को ये उसमें ड्रग्स शामिल कर देता है और बाकी के कुछ उसको अपने लेवल के हिसाब से गिन के रखता है कि कौन से में हमने ड्रग्स मिला है कौन से में नहीं मिला। तो जिसको ड्रग्स नहीं मिला है उसमें स्वयं पहले खाते हैं और जो मिला हुआ ड्रग्स है फिर उसका जैसे बार जाता है दोस्तों अन्य यात्रियों दोस्ताना करके उनके साथ वो बिस्कुट शेयर करते हैं और उनको पहले अपना बिस्कुट जो बिना ड्रग्स वाला खा के दिखाते हैं, फिर उनको बिस्कुट देने के बाद जब यात्री बेहोश से अचेत अवस्था में हो जाता है तो उसको सोने के लिए बोलते हैं और उसी प्रकार उनका पूरा सामान लेकर ये उधर जाते हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़ नागपुर।